महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के एक बयान को लेकर बवाल मच गया। उन्होंने सोमवार को नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्थानीय नेता व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे नागपुर के लिए कलंक है। अब ठाकरे के कलंक वाले बयान को लेकर भिड़ंत शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने पूर्व सीएम पर पलटवार शुरू कर दिया है। ठाकरे के कलंक वाले बयान को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उद्धव के पोस्टर फाड़ दिए, वैरायटी चौक में आंदोलन कर निषेध किया। इस मुद्दों को लेकर आज नागपुर के वैरायटी चौक में ठाकरे गुट की तरफ से भाजपा के विरोध आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने रास्तों पर उतरकर देवेंद्र फडणवीस के मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसी के साथ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर फाड़कर देवेंद्र फडणवीस का निषेध किया। या दोन दिवसांमध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरेंच्या विरुद्ध अपमानास्पद चंद्रशेखर बावनकुळेने जो वापर केला त्याचा हा निषेध आहे। आणि भारतीय जनता पक्षाने जो लोकशाहीचा बाजार मांडला, लोकप्रतिनिधींची खरेदी विक्री केली, त्याच्यामुळे महाराष्ट्र बदनाम झाला, त्याचा बदला घेण्यासाठी लोक सडकेवर आलेले आहेत। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कृणाल पानूरकर के साथ अंजली वडूरकर की रिपोर्ट। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर।